अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो रिश्ता मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी ये जो खातून है इनका नाम है बीना बीबी। बीना जो है हमारी बहन, इनकी उम्र इस वक्त 40 साल है और ये एक मुतलका खातून है, यानी कि तलाक याफ्ता खातून है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए और हमारा साथ हमेशा के लिए बना रहे। तो दोस्तों, ये जो बीना बीबी हैं, हमारी बहन 40 साल उम्र है, मुतलका खातून है, तालीम जो है इनकी एमए है, 3 साल हो गए हैं शौहर से अलहदा हुए, एक बेटी और एक बेटा, 2 बच्चे हैं। तो काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है, खूबसूरत हैं, अच्छी फैमिली से हैं, मुसलमान हैं, फिरका सुन्नी है। इनकी जो कास्ट है ये गुज्जर फैमिली से इनका ताल्लुक़ है, इस वक्त लाहौर में रहती हैं अपने जो है पेरेंट्स के घर पे। तो 5 बहनें 2 भाई हैं ये, और तमाम शादीशुदा हैं। तो इनके जो वालिद साहब हैं मोहम्मद अनवर साहब, उनका हमसे रब्ता हुआ था, वो चाहते हैं कि अपनी बेटी की दोबारा से शादी कर दें। तो इसी सिलसिले में उनको किसी ऐसे रिश्ते की जो है तलाश है कि लड़का जो हो, मर्द जो हो, उसकी उम्र 50 साल तक हो, इससे ज़्यादा ना हो, वो पहली या दूसरी शादी करना चाहता हो, मुसलमान हो, इसके अलावा ज़ात बरादरी कोई भी हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहता हो, तो वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो वो हमारे दोस्त जो चाहते हैं इनसे रब्ता करना, वो बराए मेहरबानी एक बात नोट फरमा लें कि शादी के बाद इनके जो बच्चे हैं वो इनके साथ ही रहेंगे। तो वही दोस्त मर्द हजरात रब्ता करें जो इनके बच्चों को जो है अपनी उनकी जिम्मेदारी उठा सकें, यानी कि इनके बच्चों को अपना बच्चा जो है बनाकर रख सकें। तो वो दोस्त मर्द हजरात इस रिश्ते के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस रिश्ते के लिए हमसे रब्ता करने के लिए आप जो है अपना मोबाइल नंबर, अपने शहर का नाम और अपनी एज, ये 3 चीज़ें आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता ज़रूर आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।